केवल भारत समझ खबर की। खबर प्रतापगढ़ जिले से, जहां धारा 144 का उल्लंघन करते हुए आज अनुप्रिया पटेल प्रतापगढ़ पहुंची। 22 मई को दो पक्ष में हुए विवाद को जातीय रंग देने की कोशिश करने वाले ऐसे नेताओं के खिलाफ अनुप्रिया पटेल के आगमन होने के बाद सियासी पारा गर्म हो गया है। अपना दल सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ पहुंचने के बाद कानून की भी जमकर धज्जियां उड़ाई और उन्हीं के सामने कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रतापगढ़ जिले से, जहां अनुप्रिया पटेल प्रतापगढ़ पहुंची और वहां पर सियासत गर्म हो गया है। अनुप्रिया पटेल ने दर्जनों गाड़ियों के काफिले संग हुई गाँव पहुंची। अनुप्रिया ने जातीय रंग को और भी बढ़ावा देने का प्रयास किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रतापगढ़ जिले से। आइए आपको बताते हैं कि आपका पूरा मामला। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के धुई गांव में 22 मई को मामूली विवाद हुआ था, जिसमें प्रधान पुत्र बिरादरी के लोगों से मामूली कहासुनी के कुछ ही देर बाद लगभग 200 लोग एकत्रित होकर हॉट स्पॉट एरिया में तैनात पुलिस कर्मियों सहित प्रधान पुत्र के ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें पुलिसकर्मी सहित प्रधान पुत्र और दर्जनों लोग भी घायल हुए थे, जिसके बाद दूसरे पक्ष की तरफ से इसे जाति संघर्ष का रूप देना शुरू कर दिया गया और मामले को तूल पकड़ने के लिए राजनीतिक दल के नेता भी प्रतापगढ़ के धुई गांव पहुंच गए और वह वर्मा बिरादरी के पक्ष में खड़े होकर सरकार और प्रशासन से कार्रवाई की मांग करने लगे और अपनी सियासी रोटियां भी सेकने लगे, जिसमें सपा के पूर्व विधायक राम सिंह पटेल, राम अचल राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा समेत तमाम पार्टियों के लोग हुई पहुँच कर सियासत को पूरी तरीके से गर्म कर दिया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए आने वाले सभी नेताओं को न सिर्फ धारा 144 वैश्विक महामारी के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया, बल्कि उन्हें गांव में प्रवेश करने से भी रोक दिया। लेकिन आज प्रतापगढ़ पहुंची अपना दल यश के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल 2 दर्जन से अधिक वाहनों के काफिले के साथ पट्टी कोतवाली के धुई गांव पहुंच गई और उन्होंने धारा 144 का न सिर्फ उल्लंघन किया बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी तार तार कर दिया। यही नहीं, भाजपा की इस सहयोगी दल की नेता के सामने ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और उन्हीं के मंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा भी लगाया गया। लेकिन इस पूरे मामले में अनुप्रिया ने चुप्पी सा और बातचीत के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अनुभवहीन और अपरिपक्व बता दिया। मामले की रिपोर्ट सार्वजनिक होने की अनुप्रिया ने मांग करते हुए कहा कि वह कमिश्नर से मांग करती हैं कि जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक कर दिया जाए। उनका मानना है कि मामले में एक तरफा कार्रवाई की गई है और इसमें पट्टी देवसरा थाने के SHO की भूमिका भी संदिग्ध है। अब अनुप्रिया पटेल को कौन समझाए कि राजनीति करने के बजाय यदि अनुप्रिया पटेल दोनों पक्षों के लोगों से मुलाकात करती और उनसे वास्तविकता जानने की कोशिश करती तो शायद उन्हें पुलिसकर्मियों पर यह इल्जाम न लगाना पड़ता। काम नहीं करती है, क्या पीड़ितों ने बताया आपको? पिछले 22 तारीख को यहाँ पर बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, आप स्वयं अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनके घर जले हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके पशु जलाए गए हैं, बहुत सारे महिलाएं मुझे यहाँ पर मिली हैं, उनके पति को, ससुर को, उनके परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं उनको जेल में ले जाकर बंद किया गया है। यहाँ पर बहुत अत्याचार इस गांव के लोगों के साथ हुआ है और पूरी तरह से ये पुलिस और प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ पर हालात इतने खराब इसलिए हुए हैं क्योंकि प्रतापगढ़ जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिले में एक अपरिपक्व और पूरी तरीके से अनुभवहीन पुलिस अधीक्षक को बैठाया गया है। अगर उचित कार्रवाई समय रहते उन्होंने की होती तो कभी भी ये घटना इतना विकराल रूप धारण नहीं करती। आज तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये आक्रोश आखिर क्यों उमड़ रहा है?
उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के ऊपर बनती है। तो मैम भाजपा के साथ गठबंधन में है, मेरी बात बोल रहे हैं, आपको मौका मिलेगा पूछने के लिए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है नीचे कर लो भाई कि प्रतापगढ़ में आपने एक अनुभवहीन और अपरिपक्व पुलिस अधीक्षक को बैठाया हुआ है और इनके पद पर रहते यहाँ पर निष्पक्ष कार्रवाई हो ऐसा संभव नहीं है। अभी तक इस पूरे मामले में जितना मैं समझ पा रही हूँ एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, एक ही पक्ष के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये कतई उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है और जब तक ये वर्तमान पुलिस अधीक्षक यहाँ पर बैठे रहेंगे मुझे नहीं लगता है कि कोई निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी। 22 तारीख से लगातार मेरी इस घटना पे नजर बनी हुई है, मैंने स्वयं एडी जी से भी बात की, मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बहुत बात की और उनसे बात करी। हमारा प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया था जिसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी और हमारे विधायक नीलरतन पटेल जी नेतृत्व कर रहे थे। उन लोगों ने यहाँ पर आकर अपने सारे लोगों से मिलने के बाद सारी वस्तु स्थिति का आकलन करने के बाद अपनी रिपोर्ट मुझे सौंपी थी और उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी व्यक्तिगत रूप से वार्ता हुई और उन्होंने जांच के आदेश भी दिए। इसलिए हमारी पार्टी की ओर से मैं चाहती हूँ कि जो जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से दिए गए मंडलायुक्त प्रयागराज को उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि इस घटना की सच्चाई सामने आ सके और इसमें कोई भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम न कर सके। इस पूरी घटना में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए और विशेष तौर से जो पुलिस कर्मी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। रोटी कौन सेक रहा है? ग्लोबल भारत के लिए पट्टी से अजीत तिवारी की रिपोर्ट।